बात बोले इन्हीं की तरफ से बोल रहे हैं। आ जाओ आ जाओ भाई साहब, आ जाओ सारे पर्सन आगे दे भैया सारे आ जाओ। ये ले ले रिसोर्स कोई नहीं कोई नहीं, हाई का डिपार्टमेंट ही कोई नहीं है, पार्टी का तो कर आ जाओ। अनिल हुड्डा जी, वाइस चेयरमैन जिला परिषद रोहतक, वार्ड नंबर 4। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसलिए बुलाया? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए आयोजित की गई है कि जो स्टेट लेवल पर हमने अपने मुद्दे उठाने हैं, जैसे ग्राम पंचायतों ने उठाए थे, उनके सरकार ने मान ली गई है, इसलिए हम भी अपनी मांग ये चाहवा सरकार के सामने रखा आपके माध्यम से, और हमारी भी मांग मांगी जाए मानी जाए। क्या डिमांड था? डिमांड तो ये है मेन, तो जैसे कि पार्षद का डायरेक्ट विधायक की तरफ है और सरपंच की तरफ तरज में डायरेक्ट फंड अप्रूव किया जाए, जैसे कि ना तो चेयरमैन के पीछे घूमना पड़े पार्षद ने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो चेयरमैन के निजी आदमी होते हैं उनको तो फंड दे दिया जाता है और जो थोड़े दूर हट्टे होते हैं वो इग्नोर कर दिए जाते हैं, तो सभी पार्षद समान रूप से फंड का वितरण कर सकें, इसलिए उसको डायरेक्ट फंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सरकार से, चेयरमैन से नहीं, सरकार से। चेयरमैन से तो हमारे पारिवारिक मुद्दे हैं, वो तो हम चलते रहते हैं, हम तो सरकार से कर रहे हैं या पार्षद। बजट जैसे भी जो हम तो कम से कम ये 50 लाख रुपये सालाना होना चाहिए, जैसे हम डायरेक्ट पब्लिक की डिमांड सुन सके और डायरेक्ट उनके काम कर सके। क्या हाँ हाँ, वो तो अलग से ना, मेन डिमांड ये हमारी। दूसरी डिमांड यह टोल टैक्स हमारे फ्री करे जाए और निजी सहायक पार्षदों को दिया जाए, जिला पार्षद की पेंशन करी जाए, और हैं छोटे मोटे कई हैं ये डिमांड हैं, ये तो रूटीन की डिमांड है, पर मेन तो ये है कि हमारा डायरेक्ट जो फंड है वो हमारे को अवेलेबल कराया जाए। वो हमारा निजी मामला है, वो फिर कर दें डिस्कस, ये स्टेट लेवल का मामला भाई साहब, फिर अकेला दे देंगे आपको इंटरव्यू।